नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे वनीला फ्लेवर कुकीज़। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप मैदा, 1/4 कप पीसी शक्कर, 100 ग्राम बटर अनसॉल्टेड है, 5 टेबल स्पून मिल्क, चुटकी भर नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम बटर डालेंगे। अब हम इसमें पीसी शक्कर डालेंगे। अब हम इसे चम्मच से मिला लेंगे। अब मैं चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। चम्मच से मिलाने के बाद अब मैं इसे बीटर मशीन से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। यदि आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आप चम्मच से या फोक से इसे फेंट सकते हैं। अब हम स्पैचुला से इसके साइड में लगा है उसे निकाल लेंगे और बीटर मशीन से इसे बीट कर लेंगे जब तक कि यह फ्लफी ना हो जाए। देखिए शक्कर और बटर अच्छी तरह से मिल चुका है और फ्लफी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और स्पैचुला से इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर हल्के हाथों से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने यह 1 चुटकी नमक डाल दिया है, पर सॉरी दोस्तों, मैं आपको यह दिखा नहीं पाई। देखिए मिश्रण अच्छी तरह से मिल चुका है। मिश्रण इस प्रकार का होना चाहिए। हमने पूरा दूध नहीं डाला है, थोड़ा सा दूध बच गया है। देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पाइपिंग बैग में भरूंगी। हमें इसे थोड़ा ही भरना है, यदि हम ज़्यादा भर लेंगे तो पाइपिंग बैग फट जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक थाली लिया है, उसमें तेल लगा लिया है और उसके ऊपर बटर पेपर रख दिया है। अब मैं इसमें कुकीज़ बना लूँगी। देखिए मैंने इस प्रकार का नोज़ल लिया है और मैंने पाइपिंग बैग में मिश्रण भर लिया है। अब मैं इसमें कुकीज़ बना लूँगी। देखिए कितना अच्छा शेप आ रहा है इसका। इसी प्रकार हम सभी कुकीज़ बना लेंगे।
देखिए सभी कुकीज़ बनकर तैयार है। अब हम चॉकलेट चिप्स से इसे सजा लेंगे। मैंने यहाँ एक कुकीज़ में चॉकलेट लगा दिया है। देखिए इसी प्रकार हम सभी कुकीज़ में चॉकलेट चिप्स लगा लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ ओवन में नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने कढ़ाई को 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर प्री हीट होने रख दिया था। कढ़ाई अब प्री हीट हो चुकी है। अब मैं इसमें कुकीज़ की थाली डालूंगी और इसे 30 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दूंगी। हम इसे ढक लेंगे और 30 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 30 मिनट बाद हम खोल कर देखेंगे। देखिए कुकीज़ अच्छी तरह से पक चुकी है और अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडी कर लेंगे। देखिए कुकीज़ अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। देखिए पीछे से कुकीज़ का कलर कितना अच्छा आया है। देखिए बिल्कुल भी नहीं जली है, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। अब मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट रही है और यह खाने में भी उतनी ही अच्छी है। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।